गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चलते हैं क्लास सातवीं विषय सामाजिक अध्ययन राज्य शासन कैसे काम करता है। राज्य शासन का अर्थ हो गया कि किसी भी सिस्टम को यानी किसी भी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ नियम और कानून बनाए जाते हैं, उसे ही हम राज्य शासन कहते हैं। यानी किसी राज्य के क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्य किन प्रक्रियाओं का माध्यम रहता है कि कैसे वो अपना शासन चलाता है, जनता के हितों के बारे में सोच सकता है, प्रतिनिधि किस प्रकार चुना जाता है, इन सभी बातों का अध्ययन हम इस सेशन में कर चुके हैं। पार्ट वन में राज्य का शासन हो चुका है, राज्य विधानमंडल, राज्य विधानसभा और राज्य विधान परिषद निर्वाचन क्षेत्र बहुमत, ये हमारे लिए उसके अब आता है छठा पॉइंट मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री राज्य विधानसभा के चुनाव में बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन का नेता जिसे राज्य का राज्यपाल शपथ दिलाता है वह मुख्यमंत्री होता है। कहने का भाव यह है कि जो राज्य विधानसभा के चुनाव में बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन का नेता जिसे राज्य का राज्यपाल शपथ दिलाता है वह मुख्यमंत्री होता है। कहने का भाव यह है कि जो हमारे एमएलए एमएलए कौन होते हैं, विधानसभा के सदस्य, तो जो विधानसभा के सदस्य होते हैं जो किसी एक को चुनते हैं अपने मत के द्वारा फिर मुख्यमंत्री के चुनाव के लिए एमएलए विधायकों का सहयोग लिया जाता है, वो वोट डालते हैं और किसी एक व्यक्ति को चुनते हैं और वो बनता है क्या मुख्यमंत्री, क्या बनता है मुख्यमंत्री। और फिर वो मुख्यमंत्री उन विधायकों को उस क्षेत्र का जहां से वो मनोनीत होते हैं या तो उन एमएलए को वो क्या बना देते हैं, मंत्री बना देते हैं, जैसे किसी को कृषि मंत्री, किसी को विद्युत मंत्री, किसी को रेल मंत्री, इस टाइप से। और उनसे फिर ब्यौरा लिया जाता है टैक्सेस का कि उन्होंने कितने पैसे रेल में लगाए, क्या उन्होंने खर्च किया। अगर किसी को ये लगता है कि आप ये जो सरकार है ठीक से कार्य नहीं कर रही है तो विपक्ष के जो नेता होते हैं वो इनसे सवाल जवाब संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर इनसे सवाल जवाब करते हैं और उनका कारण का पता लगाते हैं। तो आप मुख्यमंत्री का चुनाव किस तरीके से करते हैं, कौन होता है, शपथ कौन दिलाते हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है आपका विधानसभा की कार्यवाही। विधानसभा की कार्यवाही के दौरान एमएलए मंत्रियों से विभिन्न योजनाओं के बारे में प्रश्न पूछते हैं और मंत्रियों को उनके प्रश्नों का लिखित उत्तर देना होता है। यानी जो विधानसभा के कार्यवाही जो एमएलए होते हैं मंत्रियों से विभिन्न योजनाओं के बारे में प्रश्न पूछते हैं और मंत्रियों को उनके प्रश्नों का लिखित उत्तर देना होता है। यानी जो मुख्यमंत्री का चुनाव किया जाता है विधानसभा की कार्यवाही होती है कि जो ये एमएलए होते हैं ये एमएलए मुख्यमंत्री से सवाल जवाब करते हैं कि हाँ भाई आप इस शासनकाल के दौरान आपने क्या कार्य किया, आपने रेल के लिए क्या किया, जनता के रोजगार के लिए क्या किया, उन सभी का मुख्यमंत्री को लिखित में जवाब देना होता है, उत्तर देना होता है, उसे भी हम क्या करते हैं विधानसभा की कार्यवाही। विपक्ष, जैसा कि मैं आपसे बात कर रहा था कि अगर प्रतिनिधि का चुनाव जनता के द्वारा कर दिया गया है और जनता के हितों के बारे में सरकार या प्रतिनिधि नहीं सोच रहे हैं तो जो विपक्ष का नेता होता है यानी जो दूसरी पार्टी होती है उसे हम विपक्ष कहते हैं, तो वो उस पार्टी से सवाल जवाब लोगों को मुद्दा करके या उनका नेता बनकर उनसे सवाल जवाब कर सकता है। इसके बाद होते हैं सरकार के कार्य। सरकार क्या होती है, सरकार किसे कहते हैं, जैसे कि हम पहले भी अध्ययन कर चुके हैं, सरकार एक ऐसी संस्था होती है जिसका संचालन या जिसका चुनाव लोगों के द्वारा किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं सरकार। तो सरकार के कार्य क्या होते हैं,
राज्य सरकार राज्य के विकास के लिए योजनाएं बनाती है, उनका क्रियान्वयन करती है एवं किसी आपदा के समय लोगों को राहत प्रदान करती है। ये हमारे राज्य सरकार के कार्य होते हैं। हमें लोगों की हितों के बारे में सोचना, उनका ध्यान रखना, उनकी रक्षा करना, उनको हर तरीके से सुरक्षा प्रदान करना, सड़क की व्यवस्था, पेयजल, यातायात, ये सभी कार्य सरकार के होते हैं। तो आज हमारा पार्ट टू कंप्लीट हो गया है। पहले पार्ट में हमें राज्य आशासन राज्य विधानसभा विधान परिषद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र बहुमत इनके विषय में अध्ययन किया था। भाजपा के मुख्यमंत्री विधानसभा के कार्यभार एवं सरकार के कार्यभार इनके बारे में अध्ययन किया है। अब पार्ट थर्ड में हम उनका कंक्लूजन रखेंगे कि किस लिए हम इस धर्म का अध्ययन करेंगे। आज के इतना ही। Thank you. Have a nice day.